प्रेमिका को स्कूटी और प्लाट गिफ्ट देने की चाहत ने नारियल पानी विक्रेता को न सिर्फ लुटेरा बना दिया, बल्कि उसे और उसके इलेक्ट्रीशियन मित्र को जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। करीब 25 दिन पहले घर की रेकी कर दोनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कर्मचारी आवास कॉलोनी में ट्रेजरी अफसर के घर में घुसकर उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर लाखों का माल समेट ले गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर इस घटना का खुलासा किया। इनके कब्जे से पुलिस ने 8.25 लाख की नकदी समेत लूटा गया सामान भी बरामद किया है। आपको बता दें कि शहर के लालबाग स्थित कलेक्ट्रेट कॉलोनी में बीते 2 अगस्त की दोपहर को ट्रेजरी अफसर सरोज मिश्रा पुत्र स्वर्गीय शारदा प्रसाद मिश्रा के आवास में चेहरे पर मास्क लगाए दो युवक घुस गए थे। घर में अकेले मौजूद उनकी पत्नी ने जब उनका विरोध किया तो उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया और लाखों का सामान समेट कर भाग निकले। इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस के 3 टीमें गठित कर जल्द घटना का अनावरण के निर्देश दिए थे। तब से टीमें घटना का अनावरण करने में जुटी थी। करीब 25 दिन बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने इस मामले में शहर कोतवाली के नए आबादी गदियाना निवासी मोहम्मद फहीम उर्फ शालू पुत्र रईस उर्फ बबलू व दुर्गापुरवा निवासी शुभम प्रजापति पुत्र श्री केसन को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी में एक नारियल पानी विक्रेता और दूसरा इलेक्ट्रीशियन है। इनके कब्जे से पुलिस ने 8.25 लाख की नकदी समेत जेवरात, मोबाइल तथा अपनी प्रेमिका को 2.5 लाख रुपए के दिए गए प्लाट बैनामा भी बरामद किया है। शनिवार को एसपी कार्यालय में एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता में घटना का खुलासा किया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। तेजी कर्मी के यहाँ दिन दहाड़े लूट हुई थी, क्या वर्कआउट हुआ? जैसा आपको मालूम है कि 2 अगस्त 2021 को कलेक्ट्रेट कॉलोनी में एक बड़ी जघन्य घटना हुई थी। उसमें कुछ व्यक्ति, एक ट्रेजरी कर्मचारी थे सरोज मिश्रा जी, उनके घर में घुस के उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल कर दी, जिससे वो बेहोश हो गई थी और उनके घर से नकदी और ज्वेलरी उठा के लेके चले गए थे। इस घटना को वर्कआउट करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एससीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम गठन किया था, जिसमें इंस्पेक्टर कोतवाली और सर्वनाश स्वाट की टीम लगी हुई थी। आज आपने देखा कि 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक शुभम प्रजापति और एक फहीम नाम का व्यक्ति है। और इन अभियुक्तों से जो लूटे गए सारे गहने थे, जिसकी कीमत लगभग 15-16 लाख रुपए की है, और नगद रुपए जो 11 लाख रुपए लूटे गए थे, उनमें से लगभग 8 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। और उस पैसे से 2.5 लाख का इन लोगों ने जमीन परचेज किया था, जमीन के पेपर बरामद हुए हैं। अर्थात जितने सामान गया था उसमें से पूरा का पूरा बरामद हो गया है, और जो जिस बाकी से लोगों ने प्रहार किया था भी बरामद हुआ है। एक बड़ी जघन्य घटना थी, चौंकीपूर्ण घटना थी। इसको सीओसीटी की टीम ने बहुत अच्छा इसको वर्कआउट किया है। एसपी महोदय ने इस घटना को वर्कआउट करने वाली टीम को 25,000 रुपये नगद पुरस्कृत करने की घोषणा की है। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया।